मसूरी का पर्यटक स्थल कंपनी बाग जहां अपनी खूबसूरती के लिए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, वहीं यहां का वैक्स म्यूजियम भी देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटक यहां प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए वैक्स म्यूजियम में लगी महान हस्तियों के स्टैचू के बारे में भी जानकारी लेते हैं। यहां देश विदेश की प्रमुख हस्तियों के स्टैचू रखे गए हैं। यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, महान अभिनेता अमिताभ बच्चन सहित विदेश की हस्तियों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, बेंजीर भुट्टो, सद्दाम हुसैन सहित अनेक हस्तियों के स्टैचू हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यहां पहुंचे पर्यटक इसे लेकर खासे उत्साहित दिखते हैं। वे कहते हैं कि उत्तराखंड का ये वैक्स म्यूजियम यूनिक है, जिससे यहां के पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। और वैक्स म्यूजियम मेरे ख्याल से उत्तराखंड का पहला वैक्स म्यूजियम होगा, और सभी बड़े चेहरों के साथ लोग फोटो खींच सकते हैं और बच्चों को हम दिखा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रेरणा मिलेगी इन लोगों से, क्योंकि सभी महान हस्तियां हैं। तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, या जो भी कंपनी है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। म्यूजियम एक्चुअली अनोखा है, अनोखा है, क्योंकि हम लोग सुने थे कि लंदन में वैक्स म्यूजियम है, जो जो हस्तियों माने उनका जो मॉडल बना है उसके बारे सुन रहे, बट ये इसको देखने के बाद इतना अच्छा लगता है कि दिस इज अनदर लंदन। वैक्स म्यूजियम के बारे में क्या कुछ कहती है यहाँ काम करने वाली चंद्रा ठाकुर, आइए सुनते हैं। टोटल तो यहाँ पे 29 स्टैचूज हैं, जिसमें से कुछ अब्रॉड के और कुछ इंडियन हैं। तो इंडियन में जो मेन मैन है, जैसे अमिताभ बच्चन का है, महात्मा गांधी है, और जवाहरलाल नेहरू हो गया, विवेकानंद है, और अम्बेडकर जी हैं। इसके अलावा परवीन बाबी जो ओल्ड एक्टर्स हैं, ये तो इंडियन में है। बाकी अब्रॉड के जैसे बराक ओबामा है, पिटबुल है, और मदर टेरेसा, ये सब है सर। सब फीडबैक तो अच्छा ही रहता है, जिन्होंने कभी नहीं देखा उनको काफी अच्छा लगता है कि मतलब लोगों को ये लगता है कि यार मोम से ऐसी भी चीजें भी बनती है, क्योंकि जनरली लोगों को पता नहीं है ना कि वैक्स से ऐसी चीजें भी बनती है। तो अच्छा लगता है लोगों को, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि सामने से हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बोल उठ रहे हैं, और कई लोग ऐसे जिनको पता नहीं इनके बारे में, तो आप देखोगे तो बायोग्राफी भी लगी है ना, तो उनमें उसके उनके बारे में लिखा हुआ है, तो लोगों का अच्छा ही फीडबैक है। पहाड़ों की रानी में मौजूद ये वैक्स म्यूजियम लंदन के तुषाद म्यूजियम से कम नहीं है। यही कारण है कि पर्यटक यहां बड़ी संख्या में आकर अपनी हसरतों को पूरा करते हैं। ईटीवी भारत के लिए मसूरी से आशीष भट्ट की रिपोर्ट।